सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैट कंपनी के 950 HB लोडर के AC सिस्टम के बारे में। इसमें कितने फिल्टर लगते हैं, कहां कहां पे लगते हैं और कितने दिन बाद आप लोगों को चेंज करना चाहिए या फिर क्लीन करके लगाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी दिखाने वाला हूं। तो ये है हमारे पास कैट कंपनी का 950 HB लोडर, जिसमें AC सिस्टम में 4 फिल्टर यूज किए जाते हैं। 2 फिल्टर जो ओपन एयर हवा है उसको क्लीन करने के काम में आते हैं और 2 फिल्टर जो इसकी पाइपलाइन हवा है उसको क्लीन करने के काम में आते हैं। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्टर है वो है दोस्तों ये वाला, यहाँ पे लगा हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा मिट्टी आती है, इसको आप लोगों को टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ेगा। अगर आप इसको क्लीन नहीं करते हो तो आप लोगों का जो AC सिस्टम है वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये जो स्विच देख रहे हो इसको ओपन करना है। यहां से आप लोगों को एक हाथ मारना है और ये यहां से ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद ये फिल्टर आप लोग देख सकते हो, ये ऐसे निकल जाता है, बाहर आ जाता है, देख सकते हो आप। तो ये वो फिल्टर है जिसको आप लोगों ने रोज बिल्कुल क्लीन करना है, रोज दूसरे दिन अगर मिट्टी में आप लोग ज्यादा काम कर रहे हो। और जैसे इसको आपने लगाना है, यहाँ पे लगाने के बाद इसकी सपोर्ट के लिए 2 पत्ती ये वाली दी जाती है, ये देख सकते हो आप लोहे की। ये दोनों एंगल इसको यहाँ पे प्रेस करके रखती है ताकि ये बाहर ना आए और इसमें मिट्टी ना जाए बिल्कुल भी। तो इसको यहाँ पे हम लोग बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद दोस्तों जो दूसरा इसका फिल्टर है जो अंदर की हवा बाहर करता है वो है इसके अंदर केबिन के। जैसे हम इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद देख सकते हो आप लोग यहाँ पे ये जो फिल्टर है अंदर दिया गया है, ये वाला फिल्टर जो केबिन की गंदी हवा होती है उसको बाहर निकालने का काम करता है और ये वाला फिल्टर बाहर की हवा को अंदर ले जाने का काम करता है, जिससे जो हवा है बहुत अच्छी मिलती है और ठंडी भी रहती है। और अगर आपकी केबिन में कोई भी जो डस्ट आ जाती है, मिट्टी आ जाती है, उसको ये जो इसका कूलिंग सिस्टम है वहां तक नहीं पहुंचने देता, सारी मिट्टी यहाँ पे रुक जाती है। यहाँ पे देख सकते हो आप ये वाला जो फिल्टर है इसको भी आप लोग खोल के क्लीन कर सकते हो। और इसका क्लीन करने का टाइम तकरीबन आप 2 महीने में भी क्लीन करोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपकी केबिन में मिट्टी नहीं आती है तो। और आपको चेंज करने का जो इसका टाइम है, कम से कम आप लोगों को जो अंदर का फिल्टर है 6 महीने में 100% चेंज करना पड़ेगा और जो बाहर का फिल्टर है उसको तकरीबन 3 महीने या 2.5 महीने में आप लोग चेंज कर देना, क्योंकि अगर आप चेंज नहीं करोगे बाहर के फिल्टर को तो वो चोक हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में जो आपका फैन है उस पर ज़्यादा लोड पड़ता है तो वो ज़्यादातर खराब होने के चांसेस होते हैं। और दोस्तों जो 2 इसके दूसरे फिल्टर हैं वो अंदर दिए गए हैं केबिन के अंदर। अगर जिस टाइम पर आप इसको बोनट को ओपन करोगे उसके अंदर पाइपलाइन के साथ दिए जाते हैं, जो कंप्रेसर से हवा आती है डायरेक्ट यहाँ पे केबिन में उसको वो क्लीन करने का काम करते हैं। तो इसी तरह से आप लोग अपनी AC जो सिस्टम है उसको सेफ रख सकते हो और लॉन्ग लाइफ तक चला सकते हो। तो बस यार, फिलहाल की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मोस्टली उन लोगों के साथ जरूर शेयर कर देना जो लोग विदेश में जॉब करने के लिए आना चाहते हैं एज अ फ्रेशर ऑपरेटर लाइन में, ताकि उन लोगों को रियलिटी का पता चल सके और उनकी कहीं ना कहीं हेल्प हो सके। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोगों का रिप्लाई करने का ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा। अगर आप हमें से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वहां पर हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।